जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के अध्याय 17 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है शत्रुवृद्ध रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने परशुराम जी भगवान की कथा सुनी थी, अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजेंद्र पुरुर्वा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, शत्रुवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनैना। अब शत्रुवृद्ध का वंश सुनो। शत्रुवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए हैं, काशय, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए हैं। काशय का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के धनवंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धनवंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धुमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही धुमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवल याशव के नाम से भी प्रसिद्ध है। धुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। हे राजा परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीथ, सुनीथ का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु और धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग, भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ है। ये सब के सब शत्रुवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए हैं। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ है। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला है। अब अनैना का वंश सुनो। अनैना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद और त्रिकुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र थे शांत रय, शांत रय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, इन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। ये राजा परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने देवताओं का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया है। जब रजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे हैं। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी नहीं बचा। शत्रुवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ है। जय से कृत, कृत से राजा हरिवन, हरिवन से सहदेव और सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ है। जयसेन का पुत्र संक्रति, संक्रति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। शत्रुवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए हैं। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 17वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है।
मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।